सो ये फर्स्ट टाइम मेरा सोलो ट्रिप है, मैं अकेला आया हूँ, मेरे साथ कोई भी नहीं है, अमूमन बानो आती है लेकिन वो पाकिस्तान गई भी है। और अभी मैं पहुँच गया हूँ कार्डिंग मिल्स वैली में, तो गाड़ी पार्क कर दी है यहाँ पर और अभी चलते हैं देखते हैं। वेदर तो काफ़ी अच्छा है, आज धूप निकली हुई है लेकिन हवा बहुत ज़्यादा चल रही जिसकी वजह से ठंड ज़्यादा हो गई है। तो अभी हमें और आगे जाना है, मज़ीद चलते हैं आपको दिखाते हैं। काफ़ी खूबसूरत वैली है, बर्मिंघम से एक घंटा ड्राइव पर है और शॉपशायर हिल्स के पास, इसका नाम है कार्डिंग मिल्स वैली। मुझे वॉक करते हुए आधा घंटा हो गया, रास्ता थोड़ा रॉकी और स्लिपरी है, लोग मिले वो भी बता रहे हैं कि आगे केयरफुल। सो लेट्स सी, अंधेरा होने से पहले हम एटलीस्ट वाटरफॉल पे तो पहुँचे। लेट्स गो। एक घंटे की बहुत हार्ड ट्रैकिंग थी, मैंने काफ़ी दिनों बाद की तो मैं थक गया और सारे इक्विपमेंट्स कैरी करने के चक्कर में मेन चीज़ भूल गया, पानी लाना। और अभी बहुत प्यास लग रही है यहाँ पर। खैर अभी वो मज़ीद आगे जाना है, लेट्स गो, वहाँ चलते हैं और फिर देखते हैं आगे क्या करना है। की ट्रैकिंग के बाद मैं यहाँ पहुँचा वाटरफॉल पे, बहुत खूबसूरत है। कार्डिंग मिल रिजॉर्ट शायद पीछे रह गया, वो मैं देख नहीं सका लेकिन वाटरफॉल ज़बरदस्त था। 3:30 बज रहे हैं, अभी अंधेरा होने वाला है, इससे पहले कि अंधेरा हो एक ऊपर ट्रैक बना हुआ है बर्वे जो हम अपनी गाड़ी से कवर करेंगे। हिल से उतरते उतरते एक घंटे से ज़्यादा का टाइम लग गया और अभी अंधेरा हो गया। कार पार्क में तो आ गया हूँ, गाड़ी वो सामने पार्क हुई है। बर्वे का जो एक रूट है बड़ा खूबसूरत सा जिसका मैं आपको बता रहा था, वो वहाँ ऊपर है लेकिन अभी वहाँ जा नहीं सकते अंधेरे की वजह से, तो यहीं से वापसी जाना पड़ेगा। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।